डेरिवेटिव का जो चेन रूल है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है उसके ऊपर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा चेन रूल, उसी के बारे में मैं आपको यह सब क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। एक वीडियो में मैंने आपको चेन रूल क्या है और कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसको मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए कैसे ये किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे ब्लैक व्हाइट बोर्ड में आपको करके दिखाऊंगा। तो ये जो चेन रूल होता है, ये डेरिवेटिव का एक पहला कॉन्सेप्ट है। तो ये जो चेन रूल है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने क्या कहा था उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल फॉर्मूला है उसके बारे में हमें जानना है। तो मतलब ये क्वेश्चन जिस फंक्शन या जिस फॉर्मेट के हिसाब से लिखा है पहले हमें उसको याद रखना है, उसके बाद x के बदले में, तो यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने बताया है साइन हो कॉस टैन से, वो सब साइन x के लिए है या कॉस x के लिए है या टैन x के लिए है, तो मतलब वहां पे वेरिएबल से भी x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फंक्शन के साथ और एक फंक्शन रिलेटेड है तो जो इसका कॉम्पोजिट हो गया। तो अभी हम इसका डेरिवेटिव अगर एक एक करके हम डिफाइन करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है उन सबका डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो पहला वाला देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है y इज इक्वल टू एल एन रूट एक्स प्लस वन। तो मतलब अगर मैं क्वेश्चन को देखूंगा तो ये कौन सा फॉर्मेट में लिखा है, किस डेरिवेटिव फंडामेंटल फॉर्मेट में लिखा है ना, ये y इज इक्वल टू एल एन एक्स फॉर्मेट में लिखा है। तो लेकिन ln x का डेरिवेटिव अगर हम इसका डिवाइड बाय dx फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 बाय x, ये रहा मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे ln x तो है नहीं, क्या है रूट एक्स प्लस वन। तो मतलब क्या कहा था मैंने, जब भी आप डेरिवेटिव चेन रूल के थ्रू अप्लाई करेंगे पहले फॉर्मूला लेफ्ट टू राइट में आपको पहले फंक्शन का लेना है, मतलब आपको ln के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ln का डेरिवेटिव होता है ln का, ln x का डेरिवेटिव 1 by x, जहां पर भी आपका ln फॉर्म आएगा उसका डेरिवेटिव आप अगर आप यूज करेंगे तो वो 1 by 4 में कन्वर्ट होगा। तो 1 by क्या है, देखिए ln हट गया तो बाकी रह गया आपका रूट एक्स प्लस वन। तो मैंने क्या कहा था, चेन रूल ये कहता है जो भी रह जाएगा, मतलब जो भी x के बदले में यहां पे लिखा होगा उसका और एक बार फिर से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, तो d by dx of root over of x plus 1 हो गया। तो अभी आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, 1 by root over of x plus 1 ये रहा वैसे। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस फॉर्मेट में आ गया, देखिए ये आपका d by dx of कौन सा फॉर्म में आ गया, root x, और इसका डेरिवेटिव मैंने क्या कहा था 1 by 2 root x। तो 1 by 2 root x फॉर्म में अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये आपका बन गया 1 by 2 root x, यहाँ पे x के बदले में x plus 1 है, लेकिन x के बदले में जो रहेगा मैंने क्या कहा था, आपको सिर्फ फॉर्मूला में देखना है कि x है या नहीं है, अगर x नहीं है तो आपको कंपलसरी चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो d by dx अब आपका क्या बन गया, x plus 1, तो आपका भी आ गया 1 by 2 x plus 1 के लिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू, और इसका डेरिवेटिव x का 1 और इसका हो गया 0, तो मतलब फाइनली आपका आंसर 1 by 2 x plus 1 आ गया। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो कोई भी फंक्शन लिखा हो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट में जाने पर देखिए पहला टर्म जो यहाँ पे आ रहा है वो किस फंक्शन को रिलेटेड फंक्शन है। तो इस तरफ से अगर मैं चेक करूंगा तो ये ln फॉर्मेट में लिखा है, ln का डेरिवेटिव होता है 1 by, तो 1 by मैंने लिख दिया, लेकिन x तो है नहीं इसलिए x के बदले में जो रहेगा उसका चेन रूल अप्लाई करूंगा। फिर उसी तरह से सेकंड वाला आपका कौन सा फॉर्मेट में आ गया, रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे तो x है नहीं इसलिए आपको क्या करना है, फिर से रूट के अंदर जो फॉर्मेट है मतलब x के बदले में जो भी वैल्यू लिखा है उसका फिर से डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का कैलकुलेशन। ओके, सिमिलरली दूसरा वाला सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू sec tan थीटा। तो अभी उसी कॉन्सेप्ट में जितना क्वेश्चन यहां पे लिखा है वो सब आपको करके एक एक करके दिखाऊंगा। तो दूसरा वाला देख लीजिए, y इज इक्वल टू sec tan थीटा। तो अभी अगर मैं लेफ्ट टू राइट चेक करूंगा तो पहला कॉन्सेप्ट मतलब ये किस फॉर्मेट में लिखा है, sec फॉर्मेट,
तो हमें पता है y अगर sec x होता है तो इसका डेरिवेटिव होता है व्हाट इज योर dy by dx, तो sec x into tan x। यहां पे क्वेश्चन में देखिए sec थीटा लिखा है, मतलब यहां पे x के बदले में वेरिएबल कौन है थीटा, तो मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो अगर मैं sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x ले रहा हूं, क्योंकि डेरिवेटिव मैं किसके साथ ले रहा था, x के साथ, अभी मैं उसी कॉन्सेप्ट में यहां पे जाऊंगा। देखिए अभी ये sec रह गया, तो sec का डेरिवेटिव क्या है sec x, यहां पे x के बदले में कौन लिखा है tan theta, इनटू क्या रहेगा tan into tan theta, हो गया आपका पहला sec का फॉर्मेट। तो sec का डेरिवेटिव sec x into tan x, तो x के बदले में यहां पे tan theta लिखा है, देखिए मैंने वहां पे वो रिप्लेस कर लिया। क्या कहा था मैंने, जो भी x के बदले में रहेगा उसका फिर से मुझे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहां पे थीटा है इसलिए मैं d थीटा के साथ ले रहा हूं। तो अभी ये आपका बन गया sec tan थीटा, ये आपका बन गया tan tan थीटा, और tan का डेरिवेटिव हमें डायरेक्टली पता है क्या है sec स्क्वायर, तो देखिए थीटा को थीटा लेगा। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, आप धीरे धीरे एक एक फंक्शन को लेकर डेरिवेटिव करते जाइए, हो जाएगा आपका आंसर। मतलब पहले sec के लिए डाला, sec का काम खत्म हो गया, देखिए sec का फॉर्मूला यूज हो गया, तो बाकी रह गया tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला यूज किया, देखिए tan खत्म हो गया तो रह गया थीटा, तो थीटा का डेरिवेटिव तो हुआ नहीं, हो गया। आपको अगर क्वेश्चन को टर्म बाय टर्म अगर रिड्यूस कर लेंगे, मतलब तोड़ देंगे, तो हर टर्म का आप अगर डेरिवेटिव लेंगे मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया आपका चेन रूल। कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल थिंग ये है, जो भी टर्म एक एक करके फॉर्मूला डालता जाऊंगा, एक एक फॉर्मूला डालते वक्त एक एक फंक्शन रिड्यूस होता जाएगा, जब मैं लास्ट तक पहुंच जाऊंगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये दोनों हो गया आपका, तीसरा वाला आ जाइए, तीसरा वाला पावर फॉर्म है tan qx, जहां पे पावर रहेगा पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं tan x का क्यूब। और जब भी पावर फॉर्म कोई भी फंक्शन का आता है, हमने हमेशा कहा है मैंने कि पहले हम पावर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर वाला फॉर्मूला यूज करने का मतलब आपका फॉर्मेट किस फॉर्म में आ गया, x टू दी पावर n। तो देखिए अभी ये x टू दी पावर n फॉर्म है, x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या है, तो अभी x क्यूब, तो मतलब ये आपका x क्यूब फॉर्मेट में, तो x क्यूब का फॉर्मूला क्या है 3 x स्क्वायर, लेकिन x के बदले में यहां पे कौन है tan x, हो गया आपका। तो अभी मैंने क्या कहा था, q के लिए फॉर्मूला यूज हो गया, जो बाकी रह गया x के बदले में उसका डेरिवेटिव फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी आपका ये हो गया 3 tan स्क्वायर x, tan का डेरिवेटिव आपका हो गया sec स्क्वायर x, हो गया आपका आंसर। क्योंकि ये तो डायरेक्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है, इसके लिए हमें कोई भी चेन रूल डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। तो ये आपका हो गया तीसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी चौथा वाला आते हैं, y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ साइन रूट एक्स, रूट ओवर का मतलब ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया रूट एक्स, तो रूट एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे 1 by 2 root over of sin root x। मैंने क्या कहा था, x के बदले में यहां पे जो लिखा होगा उसी का डेरिवेटिव, मतलब आपको चेन रूल में डालना है, तो मतलब यहां पे d by dx of sin root x हो गया, हो गया ना, समझ में आ गया ये वाला। तो पहले मैंने रूट के लिए फॉर्मूला यूज किया रूट ओवर, रूट ओवर मतलब रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हुआ 1 बाय 2 रूट एक्स, देखिए एक्स के बदले में यहां पे साइन रूट एक्स है, तो ये हो गया। अभी क्या है, एक्स के बदले में जो भी लिखा होगा उसका चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो एक्स के बदले में यहां पे साइन रूट एक्स है, देखिए साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने यहां पे लिखा है। अभी मैं फिर से यहां पे चेन रूल अप्लाई करूंगा, तो 1 बाय 2 रूट ओवर ऑफ साइन रूट एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस, देखिए कॉस लिख दिया, लेकिन cos x, cos x होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो x है नहीं, इसलिए d by dx of फिर से आ गया root x। तो जिसका फाइनल आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा, जो आपका मैं यहां पे लिख लेता हूं, that is equal to 1 by 2
देखिए cos root x यहाँ पे root over of sin root x है, तो ऊपर मैंने cos root x लिखा, नीचे आपका root over of sin root x लिखा, और root x का derivative आपका हो गया 1 by 2 root x। तो ये रहा आपका complete answer, ठीक है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे एक एक करके left to right हर term का derivative आप calculate करते रहिए, और ये आपका बन गया derivative। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बाकी जो चार रह गया उसको हम कंप्लीट करेंगे। अभी ये वाला हो गया, ये चारों मैंने आपको शो कर लिया। अभी देख लीजिए बाकी जो चार है उसको भी हम बिल्कुल उसी हिसाब से करेंगे और बिल्कुल उसी तरह से चेन रूल अप्लाई करके कैलकुलेशन आंसर हम शो करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हो गया आपका y is equal to a to the power ln x। तो यहां पे ये कौन सा फॉर्मेट में लिखा है, तो y is equal to a to the power x। तो a to the power x का डेरिवेटिव क्या है, a to the power x ln x। तो अभी देखिए ये जो फॉर्मेट है वो a to the power x फॉर्म में लिखा है। अभी अगर मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा तो a to the power x फॉर्मूला में पहले इसके लिए इंप्लीमेंट करूंगा, तो ये हो गया आपका a to the power ln x into ln। देखिए यहां पे पावर x था, सॉरी ये वाला ln a है x नहीं, यहां पे पावर क्या है, यहां पे ln a हो गया। अभी ये जो ln x है उसका चेन रूल हमें डालना है, मतलब ये ln a log a कुछ भी लिखा जा सकता है। तो a टू दी पावर ln x हो गया, ln a रह गया। देखिए ln x का डेरिवेटिव वो तो डायरेक्ट है, तो हो गया आपका 1 by x। तो a टू दी पावर ln x का डेरिवेटिव अगर मैं चेन रूल के हिसाब से डालूंगा तो ये रहा उसका आंसर। बिल्कुल उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं, y is equal to e टू दी पावर root ax। यहां पे a एक कांस्टेंट है, तो अगर मैं अभी इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा बिल्कुल उसी तरह से, तो ये कौन सा फॉर्मेट में है, y is equal to e to the power x, तो dy by dx क्या है, वही e to the power x। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वो खुद है। तो अभी dy by dx कौन सा फॉर्म में आ गया, e to the power ax into, देखिए यहां पे x के बदले में क्या लिखा है, d by dx of root ax। अभी मैं e to the power root ax रखा, अभी ये आपका y is equal to कौन सा फॉर्म में आ गया, root x, जिसका डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था, 1 by 2 root ax into d by dx of ax। a कांस्टेंट है, तो e to the power root x by 2 root over of ax into, इसका डेरिवेटिव हो गया a। तो मतलब फाइनली ये रहा आपका डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर रूट ए एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं और बाकी दो रह गया, बिल्कुल उसी तरह से बाकी दो को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। तो जनरली अभी ये आपका हो गया y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का मतलब यहां पे बेस आपका e के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये e है। तो जनरली अभी आप dy by dx जाएंगे तो पहले रूट ओवर के लिए आएगा, तो मतलब 1 by 2 रूट ओवर ऑफ log x बेस e, क्योंकि ये रूट x फॉर्मेट में लिखा है। तो अभी डेरिवेटिव में d by dx ऑफ किसके लिए जाऊंगा, log x बेस e। तो log x बेस e का मतलब ही ln होता है, तो ln का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, 1 by 2 root over of log x base e into 1 by x, हो गया आपका नेक्स्ट वाला आंसर, ठीक है। तो क्या कहा था मैंने, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला में ये लिखा है क्वेश्चन, वो फॉर्मूला पहले इंप्लीमेंट कीजिए, और x के बदले में जो भी चीज वहां पे लिखा होगा तो उसी का चेन रूल आप अप्लाई कीजिए। यहां पे देखिए नेक्स्ट वाला y is equal to sin tan root x। अगर मैं पहला डेरिवेटिव निकालना चाहूंगा तो पहले इंप्लीमेंट किसके लिए होगा, sin के लिए। देखिए sin x, sin का डेरिवेटिव cos तो रह गया, लेकिन यहां पे तो x था नहीं,
इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब साइन के लिए डेरिवेटिव इंप्लीमेंट होने के बाद तो बाकी कौन रह गया, टेन रूट एक्स, तो टेन रूट एक्स का चेन रूल डालेंगे। तो अभी कॉस टेन रूट एक्स वैसे रहा, डेरिवेटिव अब किसके लिए इंप्लीमेंट होगा, टेन के लिए, तो टेन का डेरिवेटिव क्या है, सिक्स स्क्वायर। तो टेन का डेरिवेटिव इंप्लीमेंट होने के बाद कौन एक्स्ट्रा रह गया, रूट एक्स, देखिए मैंने वो किया, तो कॉस टेन रूट एक्स इंटू सिक्स स्क्वायर रूट एक्स इंटू वन बाय टू रूट एक्स। तो ये रहा आपका डेरिवेटिव। तो जो डेरिवेटिव मैंने यहां पे छह सात क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा है उन सबका फेज बाई फेज मैंने डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करके शो कर लिया। सो देख लीजिए और इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम इनवर्स फंक्शन। जैसे यहां पे मैं कुछ फॉर्मूला आपको पहले लिख लेता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन इसके हिसाब से सॉल्व करूंगा। जैसे जनरली हमारा डेरिवेटिव का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला साइन कॉस टैन सेक कॉट के लिए है, वैसे उनका जो इनवर्स फंक्शन है साइन कॉस टैन जो ट्रिगोनोमेट्री छह फंक्शन है उनका छह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन डिफाइंड है। उन्हीं सबका डेरिवेटिव के लिए हमारा यहाँ पे छह फॉर्मूला है। जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस है, वैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पे छह फॉर्मूला है। तो पहले वो छह फॉर्मूला में यहाँ पे पहले लिख लेता हूं। तो ये डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इसके लिए फॉर्मूला है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स d by dx of cos inverse x d by dx tan inverse x, ऐसे छह फॉर्मूला है आपका। तो d by dx of cot inverse x, जहां पे इनवर्स फंक्शन आ जाएगा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो sec inverse x और लास्ट वन हो गया आपका d by dx of cosec inverse। तो ये जो छह फॉर्मूला मैंने यहां पे अभी लिखूंगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टैन इनवर्स में आपका हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का हो जाएगा माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। इन सबका डेरिवेटिव है, मतलब इन सबका डेरिवेशन भी आपका प्रूफ बुक में आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लमेटिक में इसका प्रूफ हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसका सिर्फ एप्लीकेशन ही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यहां पे अभी इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो 1 बाय एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहां पे 1 बाय माइनस वन बाय एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये छह फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए लिखा है। अभी किसी भी जगह जैसे हमारा साइन का स्टैंडर्ड फॉर्म साइन एक्स होता है, देखिए हर जगह यहां पे मैंने एक्स के हिसाब से मेंशन किया है। अगर यहाँ पे x के अलावा आपका कोई भी दूसरा फॉर्मेट आ जाएगा तो आपको कंपलसरी क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करना है। तो बाकी जैसे ये छह फॉर्मेट है तो इसके अलावा और कोई भी चीज रहेगा तो आपको चेन रूल के हिसाब से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव जो चेन रूल अप्लाई करके हम करेंगे, जैसे y इज इक्वल टू मान के चलिए tan इनवर्स क्या हो गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x मैंने लिखा है। देखिए ये अभी इसी छह स्टैंडर्ड फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में नहीं है लेकिन उसी तरह है। तो tan इनवर्स क्या है, 2x है, लेकिन मैंने फॉर्मूला किसके लिए लिखा, x के लिए लिखा। मुझे कैलकुलेट करना है dy by dx, तो मैंने क्या कहा था, पहले हम tan इनवर्स का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लेते हैं, 1 प्लस, देखिए यहां पे थोड़ा है आपको ध्यान देना है,
एक्स था इसलिए एक्स स्क्वायर हुआ। यहां पे एक्स है, हर जगह मैंने फॉर्मूला में एक्स लिया है। अगर यहां पे एक्स के बदले में टू एक्स लिखा है तो आपको भी एक्स के जगह टू एक्स को रिप्लेस करना है और एक्स के जगह जो भी चीज लिखा है उसका चेन रूल मतलब उसका फिर से डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहां पे 2x के बदले ये लिखा इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ, मैं चेन रूल अप्लाई करूंगा तो क्या रहेगा 2x। तो कहने का मतलब है पहले आप देख लीजिए मैंने डेरिवेटिव फॉर्मूला किसके लिए इंप्लीमेंट किया, टैन इनवर्स का, जो ये है। तो एक्स्ट्रा टर्म ये रह गया जिसका डेरिवेटिव मैंने यहां पर लिखा। तो अभी ये आपका बन गया 1/1 + 4x² इंटू 2। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, अभी बिल्कुल उसी तरह से और एक क्वेश्चन में आपको दे देता हूं। जैसे y हो गया आपका cos इनवर्स रूट एक्स, देखिए तो अभी ये dy by dx आपका क्या बन गया, cos में लिखा है तो cos फॉर्मूला हम डालेंगे तो -1 / फॉर्मेट तो वही रहेगा 1 - देखिए यहां पे x था इसलिए एक्स स्क्वायर हो रहा था, यहां पे रूट एक्स है तो क्या रहेगा रूट एक्स स्क्वायर इंटू जो है उसका डेरिवेटिव। तो हो गया आपका -1/√(1 − x) और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/2√(x), ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो जनरली हम इनवर्स फंक्शन कहीं पर भी आता है जो चीज हम डायरेक्टली कर सकते हैं उसको हम करेंगे, लेकिन हर इनवर्स फंक्शन को हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। उसके लिए कुछ फॉर्मेट है मतलब वहां पे कुछ रूल कुछ फॉर्मूला है इनवर्स का जिसको हम यूज करके उसको उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने पर क्या होगा, हमें डेरिवेटिव निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में जो जो फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में है उसी के बारे में वो फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ये उसका चेन रूल का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह का क्वेश्चन जहां पे आएगा आप डायरेक्टली ऐसे चेन रूल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन जो चेन रूल में हो सकता है मैं आपको 2-4 क्वेश्चन करके यहाँ पे अभी इनवर्स के लिए शो करूंगा। तो देखिए जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा। तो पहले जैसे ये आपका हो गया आंसर, देखिए मैं कुछ क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे आपका ये हो गया, मान के चलिए y = tan inverse 2√(x), ये हो गया। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहूंगा तो क्या होगा, टैन इनवर्स के लिए हम पहले 1 + square में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे x के बदले में यहाँ पे कौन है 2√(x), तो यहाँ पे मैं 2√(x) लिख दूंगा। मैंने क्या कहा था, x के बदले में जो भी रहेगा आप उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते चलिए। तो ये हो गया आपका 1 + 4x और 2√(x) का डेरिवेटिव हो गया 2 × 1/√(x), मतलब 2 कैंसिल। तो फाइनली आपका बन गया √(x)/4x, ठीक है। तो ये 4x क्या हुआ, √(x)² हो गया x, 2² हो गया 4, √(x) का डेरिवेटिव हो जाता है 1/2√(x), तो देखिए 2 कैंसिल, तो आपका इतना रह गया। तो नेक्स्ट एक इसी तरह का एक क्वेश्चन y = हम लिख लेते हैं, जैसे आपका हो गया देखिए ln sec इनवर्स, आपका मान के चलिए sec इनवर्स आपका हो गया 3x, ओके। तो dy/dx में जा रहा हूं, तो बिल्कुल सेम रूल, नो चेंजेस। चेन रूल एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको हर डेरिवेटिव में इंप्लीमेंट करना है। तो यहां पे पहले हम डेरिवेटिव डालेंगे तो पहले मेरे लिए कौन आ जाता है ln, तो ln का डेरिवेटिव हो जाता है 1/sec inverse 3x। यहां पे ध्यान रखिए 1/sec inverse दैट इज नॉट इज इक्वल टू cos इनवर्स या cosec इनवर्स या कोई भी इनवर्स फंक्शन ऊपर नहीं जाता है, ये आपका ln sec इनवर्स लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे 1/ लिखा। कई भी क्वेश्चन इस तरह से है, लेकिन ln sec inverse ऐसे अगर होता है तो आपको ln के लिए ये डालना पड़ेगा 1/sec inverse,
तो अभी आपको डी बाय डी एक्स ऑफ क्या डालना है, सेक इनवर्स 3x, ठीक है। तो अभी ये हो गया 1 बाय सेक इनवर्स 3x, ये रह गया, इसको आप ऊपर लेके कॉस नहीं कर सकते। ये आपका हो गया डेरिवेटिव, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है देखिए, यहां पे मैंने लिखा है, यहां पे x था इसलिए ये x हो गया, लेकिन यहां पे x के बदले में 3x है, तो रूट ओवर ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या रह जाएगा 3x। धीरे धीरे कर रहा हूं, पहले इसके लिए डाला, फिर इसके लिए डाला, फिर इसके लिए मैंने डाला, तो हो गया आपका 1 बाय सेक इनवर्स 3x इंटू 1 बाय 3x रूट ओवर ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3, तो 3 कैंसिल, जो भी रह गया वो आपका फाइनल आंसर हुआ। अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप उसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी इनवर्स फंक्शन जो नॉर्मली हम डेरिवेटिव चेन रूल में निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर इनवर्स फंक्शन आपका ऐसे डायरेक्टली चेन रूल में निकाला जाएगा, उसके लिए भी कुछ बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला है, मतलब उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके उसका आसानी से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट राइट दिस, नेक्स्ट आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम इनवर्स फंक्शन। जैसे यहां पे मैं कुछ फॉर्मूला आपको पहले लिख लेता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन इसके हिसाब से सॉल्व करूंगा। जैसे जनरली हमारा डेरिवेटिव का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला साइन कॉस टैन सेक कॉट के लिए है, वैसे उनका जो इनवर्स फंक्शन है साइन कॉस टैन जो ट्रिगोनोमेट्रिक 6 फंक्शन है, उनका 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड है, उन्हीं सब का डेरिवेटिव के लिए हमारा यहाँ पे 6 फॉर्मूला है। जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस है, वैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पे 6 फॉर्मूला है। तो पहले वो 6 फॉर्मूला में यहाँ पे पहले लिख लेता हूं। तो ये डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इसके लिए फॉर्मूला है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स d by dx of cos inverse x d by dx tan inverse x, ऐसे 6 फॉर्मूला है आपका। तो d by dx of cot inverse x, जहां पे इनवर्स फंक्शन आ जाएगा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो sec inverse x, और लास्ट वन हो गया आपका d by dx of cosec inverse। तो ये जो 6 फॉर्मूला मैंने यहां पे अभी लिखूंगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में सिर्फ यहां पे एक एक्स्ट्रा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टैन इनवर्स में आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का हो जाएगा माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन सबका डेरिवेटिव है, मतलब इन सबका डेरिवेशन भी आपका प्रूफ बुक में आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लमेटिक में इसका प्रूफ हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसका सिर्फ एप्लीकेशन ही मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। तो यहां पे अभी इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो 1 बाय x रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पे 1 बाय माइनस 1 बाय x रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो ये 6 फॉर्मूला जो मैंने यहां पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए लिखा है। अभी किसी भी जगह, जैसे हमारा साइन का स्टैंडर्ड फॉर्म साइन x होता है, देखिए हर जगह यहां पे मैंने x के हिसाब से मेंशन किया है, अगर यहाँ पे x के अलावा आपका कोई भी दूसरा फॉर्मेट आ जाएगा तो आपको कंपलसरी क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करना है। तो बाकी जैसे ये 6 फॉर्मेट है, तो इसके अलावा कोई भी चीज रहेगा तो आपको चेन रूल के हिसाब से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव जो चेन रूल अप्लाई करके हम करेंगे, जैसे वाई इज इक्वल टू, मान के चलिए टैन इनवर्स क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स 2x मैंने लिखा है। देखिए ये अभी इसी 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसी तरह है। तो tan इनवर्स क्या है, 2x है, लेकिन मैंने फॉर्मूला किसके लिए लिखा, x के लिए लिखा, मुझे कैलकुलेट करना है dy by dx, तो मैंने क्या कहा था, पहले हम tan इनवर्स का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लेते हैं, 1 प्लस, देखिए यहां पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, x था इसलिए x2 हुआ, यहां पे x है, हर जगह मैंने फॉर्मूला में x लिया है, अगर यहां पे x के बदले में 2x लिखा है तो
तो आपको भी x के जगह 2x को रिप्लेस करना है और x के जगह जो भी चीज लिखा है उसका चेन रूल मतलब उसका फिर से डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहां पे 2x के बदले ये लिखा इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ, मैं चेन रूल अप्लाई करूंगा तो क्या रहेगा 2x। तो कहने का मतलब है पहले आप देख लीजिए मैंने डेरिवेटिव फॉर्मूला किसके लिए इंप्लीमेंट किया, tan इनवर्स का, जो ये है। तो एक्स्ट्रा टर्म ये रह गया जिसका डेरिवेटिव मैंने यहां पे लिखा। तो अभी ये आपका बन गया 1 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर इनटू 2। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, अभी बिल्कुल उसी तरह से और एक क्वेश्चन में आपको दे देता हूं। जैसे y हो गया आपका cos इनवर्स रूट एक्स, देखिए तो अभी ये dy by dx आपका क्या बन गया, cos में लिखा है तो cos फॉर्मूला हम डालेंगे तो माइनस वन बाय, फॉर्मेट तो वही रहेगा वन माइनस, देखिए यहां पे x था इसलिए x स्क्वायर हो रहा था, यहां पे रूट एक्स है तो क्या रहेगा रूट एक्स स्क्वायर इंटू जो है उसका डेरिवेटिव। तो हो गया आपका माइनस वन बाय रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 by 2 root x, ये का आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो जनरली हम इनवर्स फंक्शन कहीं पर भी आता है जो चीज हम डायरेक्टली कर सकते हैं उसको हम करेंगे, लेकिन हर इनवर्स फंक्शन को हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मेट है मतलब वहां पे कुछ रूल कुछ फॉर्मूला है इनवर्स का जिसको हम यूज करके उसको उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने पर क्या होगा, हमें डेरिवेटिव निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में जो जो फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में है उसी के बारे में वो फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ये उसका चेन रूल का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह का क्वेश्चन जहां पे आएगा आप डायरेक्टली ऐसे चेन रूल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन जो चेन रूल में हो सकता है मैं आपको दो चार क्वेश्चन करके यहाँ पे अभी इनवर्स के लिए शो करूंगा। तो देखिए जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा। तो पहले जैसे ये आपका हो गया, ध्यान से देखिए मैं कुछ क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे आपका ये हो गया, मान के चलिए वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स 2 रूट एक्स, ये हो गया। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहूंगा तो क्या होगा, टैन इनवर्स के लिए हम पहले 1 प्लस स्क्वायर में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे x के बदले में यहाँ पे कौन है 2 रूट एक्स, तो यहाँ पे मैं 2 रूट एक्स लिख दूंगा। मैंने क्या कहा था x के बदले में जो भी रहेगा आप उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते चलिए, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 4 एक्स और 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया 2 इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स मतलब 2 टू कैंसिल, तो फाइनली आपका बन गया रूट एक्स होल इंटू 1 प्लस 4 एक्स। ठीक है, तो ये 4 एक्स क्या हुआ, रूट एक्स का होल स्क्वायर हो गया एक्स, 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1 बाय 2 रूट एक्स, तो देखिए 2 टू कैंसिल तो आपका इतना रह गया। तो नेक्स्ट एक इसी तरह का एक क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं, जैसे आपका हो गया देखिए ln sec इनवर्स आपका मान के चलिए sec इनवर्स आपका हो गया 3x। ओके, तो dy by dx में जा रहा हूं, तो बिल्कुल सेम रूल नो चेंजेस। चेन रूल एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको हर डेरिवेटिव में इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे पहले हम डेरिवेटिव डालेंगे तो पहले मेरे लिए कौन आ जाता है ln, तो ln का डेरिवेटिव हो जाता है 1 by sec इनवर्स 3x। यहाँ पे ध्यान रखिए 1 by sec इनवर्स that is not is equal to cos इनवर्स या cosec इनवर्स या कोई भी इनवर्स फंक्शन ऊपर नहीं जाता है, ये आपका ln sec इनवर्स लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 by लिखा। कोई भी क्वेश्चन इस तरह से है लेकिन ln sec इनवर्स ऐसे अगर होता है तो आपको ln के लिए ये डालना पड़ेगा 1 by sec इनवर्स, तो अभी आपको d by dx of क्या डालना है sec इनवर्स 3x। ठीक है,
तो अभी ये हो गया 1 बाय sec इनवर्स 3x, ये रह गया, इसको आप ऊपर लेके cos नहीं कर सकते, ये आपका हो गया डेरिवेटिव। sec इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है देखिए, यहां पे मैंने लिखा है, यहां पे x था इसलिए ये x हो गया, लेकिन यहां पे x के बदले में 3x है, तो root over of 9x square minus 1 into d by dx of क्या रह जाएगा 3x। धीरे धीरे कर रहा हूं, पहले इसके लिए डाला, फिर इसके लिए डाला, फिर इसके लिए मैंने डाला, तो हो गया आपका 1 by sec inverse 3x into 1 by 3x root over of 9x square minus 1 into 3, तो 3 3 cancel, जो भी रह गया वो आपका फाइनल आंसर हुआ। अगर ये सिंपलीफाई हो सकता है तो आप उसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी इनवर्स फंक्शन जो नॉर्मली हम डेरिवेटिव चेन रूल में निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर इनवर्स फंक्शन आपका ऐसे डायरेक्टली चेन रूल में निकाला जाएगा, उसके लिए भी कुछ बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला है, मतलब उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके उसका आसानी से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट दिस